ये ग्राफ आपको याद करना है। तो याद करने का ट्रिक क्या है सर? याद करने का ट्रिक ये है, सबसे पहले तो आप ग्राफ देख लो, है ना। ये ग्राफ है साइन इनवर्स एक्स का, ये वाला जो ग्राफ बना हुआ है ये ग्राफ है कोसेक इनवर्स एक्स का, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है, यहां पे जो ग्राफ बना हुआ है ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ है कॉस इनवर्स एक्स का। दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, दिस इज द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स, और यहां पे जो ग्राफ बना हुआ है दिस इज द ग्राफ ऑफ टैन इनवर्स एक्स एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है ये, समझ गए ना, ये ग्राफ है y इक्वल टू कॉट इनवर्स x का ग्राफ है। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे, ग्राफ को याद करने का तरीका, तो ग्राफ को याद करने का एक सॉलिड तरीका है, वो सॉलिड तरीका ये है कि आपने वो डायलॉग सुना होगा ना, जहां पे हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा ही है, जहां पे साइन इनवर्स x खत्म होता है ना, कोसेक इनवर्स x का ग्राफ वहीं से शुरू होता है, ठीक है। ये साइन इनवर्स x का ग्राफ आप यहां पे बना के देखो, इसी प्लेन पे अगर आप साइन इनवर्स x का ग्राफ यहां पे बना के देखोगे ना, तो साइन इनवर्स x जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से आपका कोसेक इनवर्स x चालू होता है, और यहां पे भी साइन इनवर्स x जहां पे खत्म हो रहा है, ये ब्लू वाला जो ग्राफ है वो साइन इनवर्स x का है, तो साइन इनवर्स जहां पे खत्म होता है ना वहीं से कोसेक इनवर्स एक्स चालू होता है। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ याद करना सिंपल है, साइन इनवर्स एक्स का अगर आपने याद कर लिया तो कोसेक इनवर्स फ्री, जनरली बच्चों को कोसेक इनवर्स याद नहीं होता है, साइन इनवर्स तो सबको याद होता है, तो साइन इनवर्स अगर आपको आता है तो ये फ्री उसके साथ, ठीक है। सिमिलरली कॉस इनवर्स का ग्राफ जहां पे खत्म होता है, कॉस इनवर्स का ग्राफ ऐसा है, और कॉस इनवर्स का ग्राफ होता है अगर आपको हिंदी आती है तो कॉस इनवर्स का ग्राफ होता है फ, ये फ होता है ना, एक अल्फाबेट होता है हिंदी में, तो फ, तो फ है बस, कॉस इनवर्स का जो ग्राफ है वो आपको दिख रहा है, ये कॉस इनवर्स का ग्राफ है, तो फ से याद रखो कॉस इनवर्स का ग्राफ, और जहां पे कॉस इनवर्स खत्म होता है वहीं से आपका जो सेक इनवर्स है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये जहां पे खत्म होगा वहीं से आप चालू कर देना, यहां से चालू कर देना ऐसे, और यहां से चालू कर देना ऐसे, और बीच वाली जो भी वैल्यू है उसको टेंड करेगा, तो ये नीचे वाली वैल्यू है जीरो और ऊपर वाली जो वैल्यू है ना वो एक्चुअली पाई, पाई मतलब 3.14, ठीक है। तो ये 2 है, फिर ऊपर कहीं पे 3.14 आएगा, और बीच वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है जहां पे वो टेंड कर रहा है, ये जो लाइन है दैट इज एक्चुअली वाई इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब हाफ है, ये जीरो ये पाई, तो ये पाई बाई 2। सिमिलरली यहां पे देखोगे तो नीचे वाली जो वैल्यू है वो माइनस पाई बाई 2 है, ये माइनस पाई बाई 2 है, ये प्लस पाई बाई 2 है, और बीच वाली जो वैल्यू है वो जीरो है, ठीक है। माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा, और यहां पे जो ग्राफ है वो पूरा ऊपर ही ऊपर है। अच्छा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉस इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही ऊपर होता है। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, हम ऐसा बोल सकते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो बस यहां पे होगा, है ना, इक्वल टू जीरो बस यहां पे होगा, बाकी हर जगह वो पॉजिटिव ही होगा। एंड सिमिलरली सेक इनवर्स एक्स जो है वो भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, मतलब कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, और सेक इनवर्स एक्स का वैल्यू भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, नेवर, या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा, समझ गए ना, आइदर इट विल बी जीरो और इट विल बी, और जीरो भी कहां पे होगा, जीरो होगा दोनों वन वन पे, है ना। आप अगर करोगे सेक इनवर्स 1 तो जीरो आएगा, कॉस इनवर्स 1 तो जीरो आएगा, बाकी कोई भी वैल्यू ले लो, 1 के अलावा कोई भी वैल्यू ले लो तो जीरो नहीं आएगा, इट विल बी पॉजिटिव, समझ गए ना, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, फाइन। और आगे बढ़ते हैं, टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ याद करने के लिए सुपरमैन, आपको सुपरमैन दिख रहा है, ये सुपरमैन से उड़ता रहता ना, तो वैसे ही तो ग्राफ है। और कॉट इनवर्स एक्स के लिए सुपरमैन, मतलब एक में जा रहा है तो एक में आ रहा है, उसमें उल्टा सुपरमैन, यहां से देख लो आप, ये वाला सुपरमैन है, ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। तो कॉट इनवर्स एक्स और टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ आप आराम से यहां पे याद कर सकते हो, टैन इनवर्स का याद कर लो मेरे ख्याल से वो बेटर है ना, टैन इनवर्स एक्स का याद कर लो सुपरमैन, तो सुपरमैन से आप याद कर सकते हो, ठीक है, सुपरमैन ग्राफ, सुपरमैन यहां पे। लेकिन एक चीज और आप ध्यान से देख लो कि टैन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है ना वो माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 के बीच में होता है, ये नीचे वाली जो वैल्यू है दैट इज एक्चुअली माइनस पाई बाई 2 और ऊपर वाली जो वैल्यू है दैट इज एक्चुअली प्लस पाई बाई 2, और कॉट इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो जीरो और पाई के बीच में होता है, ठीक है। तो ये जीरो, तो अगेन मतलब कॉट इनवर्स एक्स जो है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसका वैल्यू तो जीरो भी नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, है ना, इक्वल टू जीरो हो रहेगा, इक्वल टू जीरो नहीं होगा, टेंडिंग टू जीरो होगा, बट इक्वल टू जीरो कहीं नहीं आएगा, तो सुपरमैन ग्राफ, ठीक है, सुपरमैन ग्राफ आप याद रखो। तो सारे ग्राफ याद हो गए, ये ग्राफ याद करना है, ग्राफ याद करना कंपलसरी है, क्योंकि हम तो ग्राफिकल है, सब कुछ हम ग्राफिकली पढ़ते हैं, ठीक है।